यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से जो भी तकलीफें होती हैं, जैसे कि ईचिंग होना, डिस्चार्जेस, मेली डिस्चार्जेस आना, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होना, बर्निंग यूरिनेशंस होना, और इस तरीके की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं, उसकी मैं होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने होम्योपैथिक वेजाइनल वॉश के बारे में बताया हुआ है, उस मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और वेजाइनल इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, और उससे बचने के लिए क्या करने चाहिए, वो सारा कुछ उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ, और उन सभी मेडिसिन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये आपको वेजाइनल ईचिंग्स, इरिटेशंस होते हैं या बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्जेस यदि एक्सक्रीट होते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही बेस्ट होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या होंगी उससे, और आपको किस किस तरीके से उन मेडिसिन को लेना है। वेजाइनल इन्फेक्शंस के कारण या कॉज को चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ईस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, या कोई अननोन कॉजेस हो, सभी के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं या यूनिक सिम्टम्स होते हैं। सभी में आपको इरिटेशंस होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेली और बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्जेस आपको होते हैं वो पाया जाता है। और इन सब ये सभी सिम्टम्स एक होने के कारण मेडिसिन भी एक ही निकल कर आती है। इसीलिए यदि आप मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, उसके लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे जो भी डिस्चार्जेस निकल रहे हैं उसका कलर कैसा है, कभी वो वाइटिश हो सकता है, येलोइश ग्रीनिश हो सकता है, या उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड में आ रहा है, सेमी सॉलिड है, या लिक्विड है, या फिर वॉटरी है, किस तरीके की उसकी कंसिस्टेंसी है, और उसका ऑर्डर कैसा है, मतलब उसकी स्मेल कैसी है, हर केस में ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में इंटेंसिटी कितनी है आपकी इचिंग की, या बहुत ज़्यादा कितनी इंटेंसिटी से आपको इरिटेशंस हो रहा है। ऑफ कोर्स इमोशनल स्टेट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है यदि आपको मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करनी है तो। उसके अलावा आपको कुछ जनरल सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, या आपका फिजिकल बॉडी टाइप किस तरीके का है। सो जो भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, आपको वो मेडिसिन आपके सिम्टम वाइज लेनी है, आपको किस तरीके के सिम्टम मैनिफेस्ट हो रहे हैं उस हिसाब से आपको वो मेडिसिन लेनी है, सारी की सारी दवाइयाँ या मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है क्रियोजोट। क्रियोजोट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेजिनाइटिस के केसेस में, जब आपको ऐसा वेजाइन डिस्चार्ज हो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सकोरिएटिंग हो, जिसके कारण आपके जेनिटल एरियाज के आसपास बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाए, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस हो, इसमें आपका जो डिस्चार्ज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्मेली होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल होगा, मतलब आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरीके की स्मेल होगी, उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होंगे। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन हुआ हो तो क्रियोजोट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेना कैसे है, तो क्रियोजोट 200 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है। इसकी 2 बूंद आपको आपके टंग पे लेनी है, डायरेक्ट टंग पे लेना है, और इसे आपको कम से कम 1 से 2 मंथ तक लेना ही लेना है। उसके बाद में हमारी सेकेंड मेडिसिन है पल्सेटेला। ऐसी फीमेल जिनका बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल मूड होता है, उनका मूड हमेशा बदलता रहता है, जिनका नेचर बहुत ही ज़्यादा वीपी होता है, छोटी छोटी बातों पे जिन्हें रोना आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल महिलाएं जो होती हैं, या जिन्हें बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, और उनकी ज़्यादातर तकलीफें गर्म कमरे में या वार्म रूम में शुरू होती हैं। जब भी वो गर्म कमरे में होती हैं तो उनकी सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए पल्सेटेला मेडिसिन बहुत ही परफेक्ट होती है। ऐसी फीमेल्स में जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज होता है। इसे कैसे लेना है, तो पल्सेटेला की 200 पोटेंसी आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसकी 2 बूंद आपको आपके टंग में सुबह, दोपहर, शाम में लेनी है। ये मेडिसिन वेजिनाइटिस या वेजाइनल एरियाज में होने वाली सभी तकलीफों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है सीपिया।
यदि डिस्चार्जेस बहुत ही ज्यादा येलोइश हो, बहुत ही ज्यादा ग्रीनिश हो, आपको बहुत ही ज्यादा खुजली होती हो, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो सीपीएम मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। इसमें डिस्चार्जेस में बहुत ज्यादा बदबू आती है, बहुत ज्यादा स्मेली होता है। यदि फीमेल्स को ऐसा लगता है जैसे कि उनका कोई पार्ट बाहर निकल कर आ रहा है या उन्हें बियरिंग डाउन सेंसेशन महसूस होते हैं, तो ये सीपिया का बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। यदि यंग गर्ल्स हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है, इंटेंसिव इचिंग होती है, साथ में वेजाइनल डिस्चार्जेस भी हों, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इसे कैसे लेना है, तो इसकी 200 पोटेंसी आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसकी 2 बूंद आपको आपके टंग में ले डायरेक्टली टपका लेनी है। ये भी मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में हमारी फोर्थ मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। मेडिसिन यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है जिनमें बहुत ही ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्जेस हो और ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो, ऐसी जो बहुत दिनों से डिस्चार्जेस हो रहे हैं पर वो पता नहीं रही हैं या उन्हें पता नहीं चल पाता है, तो बहुत ज्यादा पुराना यदि डिस्चार्जेस हो रहा हो तो उनके लिए एकदम परफेक्ट मेडिसिन है। इसमें कैसा डिस्चार्ज होगा, यदि इस मेडिसिन को आपको लेना है तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका डिस्चार्ज कैसा है। तो इसमें मिल्की डिस्चार्ज होगा, बहुत ही ज्यादा मिल्की या वाइटिश उस डिस्चार्ज का कलर होगा और इसमें इचिंग भी बहुत ज्यादा होगी, तो उनके लिए कैल्केरिया कार बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है। उसके बाद हमारी फिफ्थ मेडिसिन है बोरेक्स। इसमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा थिक होता है, लाइक वाइट एग स्टार्च या कुछ पेस्टी उसकी कंसिस्टेंसी होती है, और डिस्चार्ज ऐसा होता है कि वो आपके इनर थाइस को भी स्काल्स कर सकता है, मतलब इतना ज्यादा एक्सकोरिएटिंग होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोरेक्स 200 दिन में 3 बार लेनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिटिकम। इसमें स्ट्रिंजिंग म्यूकस डिस्चार्जेस होंगे, स्पेशली जब आपके मेंसेस एंड होते हैं उसके बाद यदि डिस्चार्जेस होने लगते हैं, बोरेक्स मेडिसिन आपको लेनी है। इसकी 200 पोटेंसी आपको दिन में 3 बार लेनी है। उसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। यदि बहुत ही ज्यादा ब्राइट येलो डिस्चार्ज हो, उसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट येलोइश होगा, उसके साथ ही साथ ऐसा डिस्चार्ज होगा जो आपके अंडरवियर्स में भी स्टेन छोड़ दे, इस तरीके के डिस्चार्ज होने के बाद में आपके अंडरवियर्स में कुछ स्टेन्स रह जाएंगे, इसका डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सकोरेटिंग होगा, वेरी कोरोसिव टू द वेजाइनल टिश्यूज। आपके जो आस वेजाइनल टिश्यूज होंगे उसमें भी ये कोरोसिव होगा, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होंगे। तो ये इस मेडिसिन को भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है, इसको दिन में 3 बार लेना है। ये सारी दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव हैं वेजिनाइटिस के केसेस में, वेजाइनल एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन मेडिसिन से पूरी तरह से क्योर हो जाती है। तो इन मेडिसिन को आपको कम से कम 1 to 3 months आपको लेना है कंटिन्यूसली। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में वेजाइनल वॉश बताया है, उसे भी आपको जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसे भी आपको लेना है। उसे आपके वेजाइनल एरियाज को आपको पूरी तरह से क्लीन करना है, वॉश करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। इसके अलावा यदि आपको मेडिसिन पता नहीं है कि कहाँ से लेनी है, यदि आपके एरियाज में मेडिसिन नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर उस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। उन मेडिसिन यदि आप उन मेडिसिन को लेते हैं और ऑर्डर करते हैं और उसमें मेरा कूपन कोड यदि आप डालते हैं तो आपको मेडिसिन बहुत ही अच्छे कम दामों में मिलेंगे, बहुत ही अच्छे ऑफर्स उसमें मिलेंगे और साथ में आपको कैशबैक भी मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।